हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद सोनू में। एनसीईआरटी की सीरीज में पार्ट वन हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। चलिए आज आगे का पार्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, इसमें दिया गया है दो तीन कथन दिया गया है। ठीक है, इसमें से सही कथन के बारे में बताना है। पटसन जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन जो होता है ना, पादप को उसका पुष्पन अवस्था में काटते हैं, सही है। ठीक है, पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डूबो कर रखते हैं, ये भी सही है। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहते हैं। रेशा से जो तागा बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कताई बोलते हैं। उपयुक्त में से तीनों कथन सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा जल में विलय है। जो जल में विलय है उस कथन को टिक करना है। ठीक है, तो कथन एक में क्या बोला गया है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी जल में विलय होता है, सिरिका भी है, ठीक है, नींबू का रस भी है, लेकिन मिट्टी का तेल नहीं है। हम लोगों ने घरों में अक्सर देखा होगा कि मिट्टी का तेल जो होता है, मिट्टी का तेल को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या होता है, ऊपर में वो रह जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, 1, 2 कथन। और 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन क्या है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, सही बात है। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, सभी पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, सबका गुण अलग अलग होता है, लेकिन कुछ पदार्थ जो होते हैं दिखावट में चमकदार होते हैं। दूसरा कथन क्या है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। हमारे चारों ओर की वस्तु एक पदार्थ की नहीं बनी है, वो भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी है। ठीक है, यहाँ तक गलत है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत कथन को पहचानना है। तो दूसरा नंबर कथन क्या है, गलत हो गया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, पदार्थ के पृथक्करण करने के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें से बोला गया है कि उपयुक्त में से कौन सा पृथक्करण की विधि है। तीन गो कथन दिया गया है, इसमें से कौन सा पृथक्करण करने की विधि है, निस्यंदन, निष्पावन और निस्तारण, ये तीनों पृथक्करण करने की विधि है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है। चार कथन दिया हुआ है, इसमें विचार करना है कि कौन सा प्रभासी है। ठीक है, प्रभासी मतलब ऐसे होता है जिसको हम लोग एक तरफ से दूसरे तरफ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवासी बोलते हैं। स्टील की प्लेट जो होती है ये क्या होती है, अपारदर्शी होता है। तेल लगा कागज़ जो होता है, कागज हो गया, ठीक है, तेल लगा कागज़ जो होता है ये क्या हो गया, ये प्रवासी हो गया, हल्का हल्का सा धुंधला दिखता है हम लोग को। गत्ते का डब्बा क्या हो गया, ये हम लोग को अपारदर्शी हो गया। ठीक है, गत्ते का डब्बा। कांच हो गया क्या, कांच जो हो गया हम लोग का ये पारदर्शी हो गया। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन ये सही हो जाएगा, केवल कथन दो सही है। 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हो, पृथक्करण विधि के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये नंबर क्या बोला गया है, किसी मिश्रण के कणों को अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक्करण किया जाता है, ये सही है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तलियों में बैठ जाते हैं, सही है। और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक किया जाता है। अवसादन की विधि नहीं है, निस्यंदन की विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी क्या है, द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे इसको बारे में बोले, ऑप्शन बी के बारे में, रेत और जल का जो मिश्रण था ना, उसके बारे में बोला गया। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। ठीक है, वाष्पन की जो विधि होता है उसका प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन बी गलत है इसका, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न
बोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन बोलते हैं, जिसमें से एक सीमा के बाद उसमें अधिक विलयन को नहीं घोला जा सके, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी अगर पदार्थ के विलयन को हम लोग गर्म करेंगे तो उसकी विलयता क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। जैसे हम लोग घर में देख लेते हैं, हम लोग चीनी और पानी का जो विलयन होता है उसको अगर हम लोग गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? विलयता उसकी क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। कथन चार को दिया गया है, कागज़ का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, उपयुक्त में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित रिवर्स किए जा सकते हैं? तो इसमें से देखना है कि कौन सा जो परिवर्तन होता है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मैं देख लीजिए, कथन एक में बोला गया है कागज़ का जलना, कागज़ अगर एक बार जल जाता है, ठीक है, तो हम लोग दोबारा कागज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कथन ये गलत है। कथन दो क्या है? दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, एक बार अगर दूध से दही बनता है तो दोबारा हम लोग दही से दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कथन दो भी गलत है, ठीक है। कथन तीन में क्या, नमक का पानी में घुलना, इससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पानी और नमक का जो घोल होता है उसको हम लोग वाष्पन विधि द्वारा हम लोग पुनः नमक प्राप्त कर सकते हैं। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, ठीक है, कुम्हार द्वारा जो मिट्टी का ढेर होता है उसको बर्तन में बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन से हम लोग पुनः मिट्टी प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए कथन तीन और चार सही हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से सम्मिलित कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है, वाह दल, ठीक है, मूलांकर, मूलांकर पुष्प का भाग नहीं है, ठीक है, पंखुड़ी, पंखुड़ी पुष्प का भाग है, स्त्री केसर, स्त्री केसर और पुंग केसर, ठीक है। 1, 3, 4, 5 निम्नलिखित में से दिए कुट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए, ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं तो दो, केवल दो, सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दो जो है वो सम्मिलित नहीं है, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूलांकुर जो होता है मूलांकुर इसका भाग नहीं है, ठीक है। 21 और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, औजारों में लोहे के फलक से बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है, ठीक है, गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? हम लोगों ने देखा होगा अक्सर कि जो औजार होते हैं उसमें लोहे के फलक लगाते हैं, तो उसमें से लोहे का जो हत्था होता है उसको हम लोग गर्म करते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें लगाते हैं, तो गर्म करने से जो वलय होता है लोहा का उसमें क्या परिवर्तन होता है? उसका आकार छोटा हो जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, उसका आकार बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग को आसानी से औजार में लोहा का वलय लग जाता है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन की पहचान करना है, पत्ती में सिराओं के प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है, या जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है, सही है, ठीक है। पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं, ऑप्शन बी भी सही है। पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड संश्लेषित करती है, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी में क्या बोला गया है? पत्तियों वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है, ये जो कथन है ये गलत हो गया, ठीक है, इसमें से, क्योंकि जो पत्तियाँ जो होती है वायुमंडल से वाष्प ग्रहण नहीं करती है, बल्कि वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा वह वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प को छोड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं, तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में विचार करना है, ठीक है। इसमें से बोला गया है, कथन एक में, तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अनुभागों तक पहुंचाता है, सही बात है, ठीक है। तना जो होता है, ठीक है, कहाँ गया, तना जो होता है, तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों एवं पौधे के अनुभागों तक पहुंचाता है, ठीक है, पहला कथन सही है। कथन दूसरा क्या है? पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है, कथन दो भी सही है। इसमें से उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? जड़ कौन नहीं है? गाजर भी जड़ है,
आलू क्या है, आलू तना है, ठीक है। मूली क्या है, मूली जड़ है, ठीक है, शलजम भी जड़ है। तो मेरा सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, क्योंकि आलू जो होता तना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।